नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं बना रही हूँ कलरिंग आर्ट पेपर से फोटो फ्रेम। और आप अगर मेरे चैनल पे आज नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और ये फोटो फ्रेम बनाने के लिए मैंने एक कार्टून के टुकड़ों को ऐसे काट लिया और मैं इस कलरिंग आर्ट पेपर को इस कार्टून के ऊपर चिपका लूँगी। और ये कलरिंग आर्ट पेपर को कैसे काटना है उसका डिज़ाइन मैं बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। ऐसे डिज़ाइन बनाने के बाद ऐसे ही मैं कैंची से इसे काट लूँगी। काट लेने के बाद अब मैं इस कार्टून के ऊपर ऐसे करके इस कलरिंग आर्ट पेपर को चिपका लूँगी। अब मैं इस पेपर को और थोड़ा सा ऐसे कैंची से काट लूँगी। अब मैं थोड़ा सा फोल्ड करके इस कार्टून के ऊपर ये कलरिंग पेपर को ऐसे चिपका लूँगी। ऐसे चिपका लेने के बाद अब मैं और थोड़ा सा कार्टून का टुकड़ा लेके उसके ऊपर भी ये कलरिंग पेपर को ऐसे चिपका लूँगी। ऐसे चिपका लेने के बाद अब मैं इस फोटो फ्रेम की पीछे की साइड से ऐसे थोड़ा सा गम लगा लूँगी। गम लगाकर ये जो कार्टून का टुकड़ा को मैंने छोटे छोटे करके काटा है उसको ऐसे यहाँ पर चिपका लूँगी। ऐसे तीनों साइड से चिपका रही हूँ। एक साइड मैंने खुला रखा है ऊपर की साइड, क्योंकि उधर से फोटो फ्रेम के अंदर फोटो डालना है, इसलिए एक साइड ऐसे खुला रखा है। अब मैं ये ऐसे चिपका लूँगी। और इस फोटो फ्रेम को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर बनाकर रख लिए थे। और यहाँ पर मैं एक बनाकर दिखाऊंगी कैसे ये फ्लावर बनाना है। इस कलरिंग पेपर को ऐसे फोल्ड करके उसके बाद कैंची से यहाँ पर ऐसे काट लूँगी। ये फ्लावर बनाने में बहुत आसान है, आप देख सकते हैं कैसे मैं बना रही हूँ। ऐसे काट लेने के बाद अब मैं और थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे काट लूँगी कैंची से। अब मैं थोड़ा सा गम लगाकर यहाँ पर ऐसे ऐसे करके चिपका लूँगी। ऐसे चिपका लेने के बाद आप देख सकते हैं ये छोटा सा फ्लावर बिल्कुल तैयार हो चुका है फोटो फ्रेम में डिज़ाइन करने के लिए। अब मैं यहाँ पर गम लगाकर ये फ्लावर को डिज़ाइन कर लूँगी। आप अपने मन के हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं। ऐसे डिज़ाइन बना लूँगी, ऐसे डिज़ाइन बना लिया। अब मैं छोटे छोटे पत्ते बना लूँगी ये ग्रीन कलर का रिबन से। आप देख सकते हैं कैसे मैं ये रिबन को काट कर छोटा छोटा पत्ते बना रही हूँ। ऐसे बनाने के बाद अब मैं इस फोटो फ्रेम की साइड से फ्लावर की साइड से इसे डिज़ाइन बना लूँगी। देख सकते हैं ये चिपका लिया पत्तों को। अब मैं थोड़ा सा मोती लेके फ्लावर की ऊपर ऐसे चिपका लूँगी। ऐसे करके चिपका लिया और थोड़ा सा भी ऐसे डिज़ाइन बना लूँगी। ऐसे करके आप अपने मन के हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं। ऐसे चिपका लेने के बाद आप देख सकते हैं ये फोटो फ्रेम बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं ये पीछे का जो हैंडल होता है फोटो फ्रेम को सपोर्ट करने के लिए इसको ऐसे ऐसे कार्टून को काट करके ऐसे यहाँ पर चिपका लूँगी। आप देख सकते हैं ये मेरा कलरिंग आर्ट पेपर का फोटो फ्रेम बिल्कुल तैयार हो चुका है घर पर डेकोरेट करके रखने के लिए। और आप सबको अगर मेरा ये कलरिंग आर्ट पेपर का फोटो फ्रेम बनाना अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।